अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर हैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और बात रखे, अपनी जमान में रखे, आमीन सुमा मीन। और सुनाएं कैसे जा रही है लाइफ आप सब की। वेलकम टू अनदर व्लॉग देसी विलेज लाइफ। ठीक है, और माशाल्लाह से जी मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। हमारे गाँव में तो इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि बस मैं क्या बताऊँ। पिछले दिन तो बड़ा ही मुश्किल टाइम गुजरा है, इतनी गर्मी थी। और आज सुबह से क्लाउडी मौसम था, बस आज ठंडी ठंडी हवा, इतना अच्छा फील हो रहा था सब कुछ। और इस टाइम में फ्री हुई हूँ सो मैंने सोचा कि आप सबसे हेलो हाय करते हैं। और ये बना हुआ है जी फ्रूट शेक, साथ इसको एंजॉय करते हैं। अगर आप सब ने इसको एंजॉय करना है सो वेलकम, मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। एंड आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। आप सबके सपोर्ट की वजह से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा चैनल माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी भी है। और जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से आप सब हमेशा पूछते हैं हम कहाँ रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं। हमारा एक छोटा सा गाँव है माशाल्लाह, हम गाँव में रहते हैं, मैं गाँव में ही पढ़ी लिखी हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। और मतलब के सेकेंड ईयर तक मैं गांव में पढ़ी हूँ, फिर इससे आगे जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है तब मैंने ऑनलाइन एडमिशन लिया हुआ था प्राइवेट। मैंने जो है ना बाकी स्टडी जो है ना अपनी कंप्लीट की है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर मैं जब मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम था तब मैंने टीचिंग ज्वाइन कर ली है और टीचिंग करती रही हूँ। फिर उसके बाद जब मेरी यूनिवर्सिटी फिर से स्टार्ट हुई तो फिर मैंने जो है ना टीचिंग को वाइंड अप किया, टीचिंग को छोड़ दिया, क्योंकि सेम टाइम में मैं स्कूल भी जाऊं, बच्चों को पढ़ाऊं, फिर वहां से वापस आऊं, यूनिवर्सिटी का करूं, तो ये सब एक साथ मैनेज नहीं हो सकता था। सो इसलिए मैंने स्कूल को किया बाय बाय और साथ सिर्फ मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को जो है ना सारी तवज्जो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी पर दी है। और यूनिवर्सिटी कम्प्लीट हुई माशाल्लाह माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने टाइम के बाद जाके मुझे अभी पिछले दिनों थोड़े दिन हुए हैं मुझे डिग्री मिली है। जब मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने अप्लाई किया तब से जाके अभी आके मुझे मिली है डिग्री। अभी डिग्री मिली है और अब मेरा भाई कह रहा था कि आगे सोच लो, एडमिशन ले लो आगे और आगे पढ़ लो और अब देखें क्या डिसीजन लेती हूँ इस चीज़ के बारे में, क्या कोई सीन बनता है। और जी गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है सो आप सब भी दुआ करें, अल्लाह करे बारिश हो जाए। मैं तो बस यही कह रही हूँ क्योंकि अब लोगों के फसलों के काम सारे कंप्लीट हो गए हैं, अब तो बारिश होनी ही चाहिए, अल्लाह की तरफ से खैर होनी चाहिए। बता भी रहे प्रेडिक्शन है बारिश की, इंशाल्लाह अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। और जी जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें सपोर्ट करने के लिए और हमारी हौसला अफजाई करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए, इतनी ज़्यादा हिम्मत देने के लिए, इतने इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। बड़ी खुशी होती है जब कोई दिल से इतने अच्छे अच्छे कमेंट करता है, जब हम पढ़ते हैं तो तब हमें बहुत खुशी होती है कि लोग कितना अच्छा हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें जो है ना अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं। सो हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें और अल्लाह पाक आप सबके हक़ में बेहतरी ता फरमाए। ऐसे ही एक दूसरे की मदद करें क्योंकि दुनिया का निज़ाम ऐसे ही चलता है, एक दूसरे की मदद करके ही चलना है। और अल्लाह पाक ने भी फरमाया है कि मदद करना बहुत अच्छी बात है। सो अगर आपकी हेल्प से अगर किसी का भला होता है तो तब तो आपको माशाल्लाह से लाजमी करनी चाहिए हेल्प, कभी भी सोचे समझे बगैर आपको हेल्प करनी चाहिए। जैसे आप मुझे हेल्प करें, थैंक यू सो मच। एंड हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल का वॉच टाइम है। और अगर कहीं कोई मुझे एडवाइस करनी है या मेरे चैनल से रिलेटेड कोई भी बात हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ से जाके इस चीज़ को ऐसे सेट करें या कुछ और
इस समय इंटरनेट नहीं चल रहा, क्या करूँ, हमारे गांव में इंटरनेट भी थोड़ा सा स्लो है, सो क्या किया जा सकता है। सम टाइम तो इतना अच्छा चलता है और अब भी लाइक इतना बैड हो रहा है, जाने कोई बात नहीं। और सुबह के टाइम पहले तो मैं घूम घूम के आगे पीछे लाइक पहाड़ों पे जाती थी, वीडियो बनाती थी, पर कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, सो गर्मी को मैं स्टिल अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने भी लाइक एडवाइस किया है कि आप जो है ना गर्मी में ना जाएं, क्योंकि गर्मी ने इतना बुरा हाल किया है मेरा के पास, मैं डर गई हूँ इस चीज़ से, सो अब मैं जो है ना अब ज़्यादा गर्मी में नहीं जाती। क्या किया जाए, अल्लाह करे बारिश हो जाए, बारिश होगी तभी सारे काम सेट होंगे, वरना तो कुछ भी नहीं होने वाला। सो आज का व्लॉग बस अभी थोड़ी देर तक जाना मैं अपलोड कर दूँगी, आप सब जाएं उसको देखें, वॉच करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, हमें सपोर्ट करें और दुआएं दें, दुआएं लें और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से और खूबसूरत तरीके से गुजारें और कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं। सम टाइम ऐसा होता है कि इंसान के गुस्से में बोले गए अल्फाज भी इंसान को बहुत ज़्यादा डिसहर्ट कर जाते हैं, और हमेशा तभी तो कहते हैं कि बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर बंदा उस चीज़ को रियलाइज़ करे, सॉरी फील करे कि नहीं भाई उस टाइम में गुस्से में था, आपने तो गुस्से में बोल दिए अल्फाज, पर जिस बंदे को आपने बोले थे उसने तो इस चीज़ को वो नोटिस किया है ना, उसके दिल पे तो लगी है ना। सो हमेशा इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें और अच्छे रहें, अच्छे से रहें, अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारें, खुशियों से गुजारें। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करें जिसने ये ज़िंदगी दी है, और खुश खुश रहें, अपने घर वालों का ख़ास ख्याल रखें, अपने अम्मी अबू बहन भाइयों का, अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का, सबका अच्छे से ख्याल रखें। और थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, थैंक यू सो मच। अब हम साथ इसको एंजॉय करते हैं और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये थी जी मेरी लाइफ लाइक माई फर्स्ट इंटरव्यू अबाउट माई सेल्फ, ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।